बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग मुताला फिका में पूरी डिटेल से हम इबादत के जो दीन में अहकामात हैं उसकी स्टडी हम कर चुके हैं, और आज हमारा टॉपिक आपका सोशल शरिया आप कह लें, आइली जिंदगी, यानी आपकी फैमिली में क्या क्या ऐसे कवानीन हैं जो अल्लाह ताला ने बना दिए हैं, तो उसकी स्टडी आज हम कर रहे हैं। अब देखिए कि एक सोशल कल्चर जब बनता है तो शरीयत बेसिकली क्या है कि जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं वो शरीयत है। यानी अल्लाह ताला आम तौर पर एक पॉलिसी की शक्ल में हमें कुछ अहकामात बता देते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एक पूरा प्रोसीजर प्रैक्टिकली करके दिखा के वो बताते हैं कि भाई ये ऐसा, ये अमल ऐसे करना और ये नहीं करना। तो ये इसकी पूरी की आप जो स्टडी कर रहे हैं, अब तक तो हमने इबादत की स्टडी की थी जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तो कुर्बानी, इन सब की हम स्टडी तो कर चुके थे। तो अब हम देखते हैं कि फैमिली जब हम बनाते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने कुछ वहाँ अहकाम आती हैं। अच्छा, वो जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पॉलिसी एंड प्रोसीजर अगर मिल गए तो वो तो दीन का हुक्म है। उसके बाद फिर ये होता है कि हर टाइम में और हर इलाके के कुछ स्कॉलर्स जिनको फुकहा या फकीह के जो स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो फिर अपने अपने कल्चर के लिहाज से कुछ प्रोसीजर्स वहाँ पे वो बनाते हैं। जाहिर है कि वो एक इंसानी काविश होती है ताकि वो अल्लाह ताला के दीन पे अमल करने की एक वो प्रैक्टिकल करने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये फिका तब बनता है, और जाहिर है कि वो इंसानी एक कोशिश होती है तो इंसान से गलती भी हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह ताला के इरशादात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोसीजर हैं इसमें कोई गलती का कोई चांस नहीं है और इसमें पूरी उम्मत में कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जाहिर है कि इंसानी काम जब होता है तो इसमें फिर हर इंसान अपने अपने कल्चर के लिहाज से, अपने अपने टाइम के लिहाज से जब सोचते हैं तो फिर इख्तलाफ भी हो जाता है, तो वो नॉर्मल है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब हम देखते हैं निकाह के बारे में अल्लाह ताला के क्या अहकामात हैं, और फिर हुस्न-ए-मुआशरत क्या है कि किस तरह अच्छे तरीके से फैमिली में रहना है, और फिर फैमिली में एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये डिटेल में आती हैं। ये तो पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाता है कि कभी ये भी होता है कि फैमिली अलग भी हो जाती है जिसे आप तलाक कहते हैं। तो इसके तो आज हमारा टॉपिक पहले हम यही करेंगे, निकाह और हुस्न-ए-मुआशरत से ही, तो इसी की हम स्टडी आज कर लेते हैं। अगले लेक्चर में हम फिर तलाक पे करेंगे क्योंकि वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेशन किस्म के मामलात होते हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं निकाह जिसे आप शादी कहते हैं। अब देखिए कि जिंदगी में फैमिली की इंसान को जरूरत होती है, क्या ख्याल है, आप सोचिए। अगर तो देखिए फर्ज करें कि हम अगर पैदा होते बिल्कुल जवान होके 20, 25, 30 की एज में जैसे हम होते हैं, अगर हम पैदा ही उस टाइम होते तो फिर तो शायद हमें फैमिली की जरूरत ना होती, यानी फिर हमें जाहिर है कि कोई ऐसा इशू नहीं था। लेकिन अब होता क्या है कि जब इंसान पैदा होता है तो फिर वो एक बहुत छोटा सा बच्चा बन के पैदा होता है, तो उस बच्चे को भी तो संभालना है ना, तो यहीं से ये एक इंस्टीट्यूट बनता है जिसे हम कहते हैं निकाह या शादी। यानी अब जब बच्चा हुआ उस बच्चे की खिदमत के लिए कोई कम टाइम नहीं लगता, 20-25 साल लग जाते हैं उसके लिए। पहले माँ जो है वो पूरी एक अपनी जिंदगी की कुर्बानी अदा करके बड़े अरसे तक वो करती खिदमत, फिर उसके वालिद जो हैं वो बड़े अरसे तक, वो तो फिर 15-20 साल तक वो फाइनेंशियली
खिदमत कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर होता क्या है कि अब वो जब बच्चे जो हैं, जब वो जवान हो जाते हैं, तब उनके माँ बाप जो हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, तब उनको मेंटेन करने की भी जरूरत होती है, तब उन्हीं के बच्चे फिर उनकी खिदमत अपने माँ बाप की करते हैं। तो ये एक इंस्टीट्यूट है जो अल्लाह ताला ने बना दिया है हमारे लिए। अब देखिए अल्लाह ताला के इरशादात से हम देखते हैं कि इसमें क्या अहकामात हैं। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही इन खलक लकुम मिन अन्फुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون। ये उस रब की निशानियों में से यह है कि इसने आप लोगों के लिए आप ही की जिन्स से जोड़े बनाए ताकि आप इनके पास सुकून हासिल करें और आप लोगों के दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दें। यकीनन इसमें बहुत सा सबूत है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करना चाहते हैं। आप खुद सोच लीजिए, लॉजिकली सोच लें कि वाकई को फायदा है, या अगर लेट्स सपोज कि अगर ये फैमिली ना होती, शादियां ना होती, तो फिर क्या होता? इसको आप जरा लॉजिकली खुद सोच लीजिए। फिर एक और मौके पे सूरह निसा में फरमाया فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, ऐसी खवातीन से निकाह करें जो आपको पसंद हो। कि भी जब किसी मर्द और खातून में आपस में एक दूसरे को पसंद वो करें तो फिर वो आपस में शादी कर लें, फिर उनसे मामला चले आगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रीजन भी बयान फरमा दी। अपने फरमाया नौजवानों, आप में से जो निकाह करने की वुस्सत पाता है तो इसे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये नजर को हया से झुकाने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। यानी एक ये बड़ा एडवांटेज है शादी का कि इंसान में फिर ये एक सेक्स का जो मसला है वो हल हो जाता है। वरना अदरवाइज तो ये हो ना कि ये फर्ज कर लीजिए कि इंसान अगर बिल्कुल जानवर की तरह ही रह रहा हो तो फिर तो कोई वो शादी की कोई जरूरत नहीं होती। वो जब जिस बिल्ला और बिल्ली को जो भी जरूरत होती है वो आपस में अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। लेकिन अब होता क्या कि उनके यहाँ फिर बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो चंद घंटों महीनों के अंदर ही वो जवान हो जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए 20-25 ईयर्स लगते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक दिया कि अभी आप पहले हया के साथ रहें और इस फैमिली के साथ रहें, और यही फैमिली यानी मियां बीवी आपस में एक दूसरे से इज़्दवाजी ताल्लुक वही करें आपस में, कोई और ना करें। तो अब आप देखिए, अब पिछली सदी में जो फलसफा यूरोप में जो फैला था कि निकाह जो है ना हो तो क्या अर्ज है, यानी वो बच्चे आ जाए वो उसको गवर्नमेंट जो है वो चला लेगी मामलात को, उन्होंने ये सोचा था। अब प्रैक्टिकली आप खुद सोच लीजिए, अब देखिए मियां बीवी अगली औलाद के दरमियान हुकूक पूरे होने चाहिए ना, और वो यही होते हैं कि मियां बीवी शादी होती है तब बच्चा होता है तो बच्चे की वो खिदमत कर रहे होते हैं, और फिर इस तरह जब वो बुढ़ापे में आ जाते हैं तो आप उन्हीं की औलाद जवान हो जाते हैं और वो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। किसी के लिए अगर ज्यादती ना हो और किसी का इस्तेसाल ना हो, यानी ये ऑब्जेक्टिव है अल्लाह ताला का, तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये एक बकायदा एक शरीयत के अहकामात कर दिए कि आप शादी करें और रहें इस तरह से। इसके लिए एक दूसरे के लिए कुछ मोहब्बत के साथ जिंदगी में रहें, एंजॉय भी करें अपनी जिंदगी को, और इसके साथ साथ ये है कि फिर आपके यहाँ पे जो औलाद पैदा होगी तो उनकी खिदमत भी आपने करनी है, और इसी तरह आप जब एक खास एज में पहुंचेंगे तो फिर यही औलाद आपकी खिदमत करेगी। तब ये देखिए कि यूरोप में ये हुआ कि उनका एक मामला हुआ कि उन्होंने
सोचा कि चलो यार ये शादी करने की क्या जरूरत है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की तरह रह लें। तो लेकिन आप प्रैक्टिकली सोच लीजिए कि एक बिल्कुल एक टिश्यू पेपर की तरह का ही एक मामला होता है कि बस जनाब वो दोनों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में ताल्लुक बना, आपस में जो सेक्स है वो कर लिया, करके उसके बाद जब फिर आपस में वह मामला छोड़ के चले गए और ताल्लुक खत्म। अच्छा अगर तो इतना ही होता तो चलो होता मामला, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ है यूरोप में और अमेरिका में भी यही हुआ है कि फिर तो ये हुआ कि ख्वातीन यहीं फिर मेडिसिन भी बन गई कि अभी ताकि बच्चा पैदा ही ना हो सिरे से, तो वो करती रही। अच्छा बच्चे पैदा नहीं हुए, चलो उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जब वो जवान थे, लेकिन जब वो एक बड़ी एज में पहुंचते हैं मर्द भी और ख्वातीन भी, तब उनको जरूरत महसूस होती है काश हमारे बच्चे होते। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप यूरोपियन और अमेरिकन कोई ऐसे लोग, उनके आर्टिकल्स भी खैर बहुत कुछ लिखे गए वहां पे, या कोई प्रैक्टिकली कोई ऐसे आप ढूंढ लें, उनसे ईमेल पे आप जरा कोई दोस्ती करके डिस्कशन करके पूछें कि जनाब आपको शादी नहीं आपने की, तो फिर आप बताइए आप कैसा फील कर रहे हैं। तो फिर वो आपको बताएंगे कि जनाब अब उनको कितना मिस वो कर रहे हैं अपने औलाद को। और फिर तो ये भी उन्हें करना पड़ा कि जनाब अब चूंकि मेजॉरिटी अब ये हो गया है कि वो बुजुर्ग ज्यादा हैं और नौजवान कम है, तो वो इसीलिए इमिग्रेशन का सिलसिला उन्होंने किया है ताकि चलो हम लोग ही आ जाएं, आके उनकी एक पूरी इकोनॉमी को तो चलाएं ना, क्योंकि बुजुर्ग अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कर सकते। तो इसीलिए आप देखिए कि वो इमिग्रेशन का पूरा सिलसिला, अब चलो इतनी बड़ी आबादी आ गई तो अब वो इमिग्रेशन को इन्होंने अब कम कर दिया। तो जरा आप सोचिए कि भी वो बेहतर तरीका था या जो अल्लाह ताला ने शरीयत में जो हुक्म दिया है शादी का और निकाह का, तो ये बेहतर ऑप्शन है या वो ऑप्शन बेहतर है। इसमें आप खुद उसका एक एनालिसिस कर लीजिए, देख लीजिए और फिर आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा ये शरीयत के जो अहकाम है कुरान मजीद से शुरू नहीं हुए, बल्कि उससे पहले से ही आदम अलैहिस्सलाम से ये शरीयत चली हुई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है, कि अब वो अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान में आई है, तो उसमें वही शरीयत के अहकाम उसमें, और आप उससे पुरानी जो अल्लाह ताला की किताब है तौरात है उसको पढ़ लें, उसमें भी यही हुक्म आपको नजर आएगा। अब आते हैं कुरान मजीद में निकाह का जो एक कुछ तरीका है, तो इसके लिए कुछ अहकाम दिए, तो हम इनकी से हम स्टार्ट करते हैं कि निकाह के बारे में क्या क्या अहकाम हैं। तो फरमाया वला तनकहु मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला। अब असल में यह हुआ कि भी अब कोई भी मर्द औरत जो है वो कर लें शादी, नहीं वो अल्लाह ताला ने की लिमिट की है कि भी ये इनमें नहीं हो सकती। तो इसमें स्टार्ट में पहले में ये फरमाया कि भी आप अपनी सौतेली माँ जो ख्वातीन से आपके वालिद निकाह कर चुके हो तो इनसे हरगिज निकाह ना कीजिएगा, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका, लेकिन बेशक ये खुली हुई बेहयाई और सख्त काबिल नफरत बात है और नहायत बुरा तरीका है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आपसे पहले ये अरबों में ये कल्चर था कि अब जनाब एक बंदे ने शादी कर ली और वो एक नौजवान लड़की है और वो बंदा जो है वो फौत हो गया, तो अब वो उसके अपने बेटे जो हैं वो भी जवान होते थे, वो कहते थे यार ये अब ये जो मेरे अब्बा की जो बेगम थी तो क्या ज़रूरत है कि अभी वो इधर उधर जाए, चलो अभी तुम हमारे साथ ही आ जाओ शादी कर लो, तो वो करते थे। तो अल्लाह ताला ने उसी को बताया कि ये बहुत नफरत का ये अमल है, अब जो हो गया अब ना कीजिएगा मजीद,
क्योंकि अब वो अल्लाह ताला का कुरान नाजिल हो रहा था, तो अब बता दिया उनको कि भी ये पहले ही हराम था, लेकिन उन्होंने एक गलत आदत की हुई थी। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने डिटेल से बताया गया कि जहां आपके साथ शादी नहीं हो सकती, बस वो एक लिस्ट कर दी, उसके अलावा बाकी सब जायज है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुमुल्लाती अर्दअनकुम व अखवातुकुम मिन अर्रदाअती व उम्महातु निसाइकुम व रबाइकुमुल्लाती फी حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما। अब ये एक लिमिट बता दी कि यहाँ शादी नहीं हो सकती, बता दिया पहले। अब बताया कि आपकी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ और आपकी भांजियाँ आपके लिए निकाह की सूरत हाल में हराम की गई हैं। यानी हराम से मुराद कि आप उनसे शादी नहीं कर सकते, अपनी वालदा से नहीं शादी कर सकते खुद ही, और उससे पहले सौतेली वालदा जो है उनसे भी नहीं कर सकते, वो पहले बता दिया। और फिर ये भी बता दिया आप अपनी बेटियों, बहनों, फिर इसी तरह फूफी, खाला, फिर इसी तरह उनकी, फिर जो अब ये आपकी भतीजी, भांजी, इन किसी के साथ आपको इजाजत नहीं है, इनसे नहीं आप कर सकते। फिर इसके बाद फरमाया आपकी वो माएँ भी जिन्होंने आपको दूध पिलाया है, और रजात के इस ताल्लुक से आपकी बहनों से भी निकाह हराम है। यानी ये अब इतना आम नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कॉमन था कि एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए दूसरी खातून भी कर लेती थी। तो बता दिया कि भी वो अपने अगर बच्चे ने दूध पी लिया जिस खातून का, तो वो भी आपकी वालदा बन गई हैं अपनी, अब उनसे शादी। और फिर इसी तरह अब ये जो दूध की जो माँ है, तो उन्हीं की जो बेटी है वो आपकी बहन भी बन गई, उससे भी नहीं शादी कर सकते। फिर फरमा इसी तरह आपकी बीवियों की माँ यानी आपकी सास साहिबा भी, वो भी हराम की गई हैं, और आपकी बीवियों की लड़कियाँ भी यानी आपकी सौतेली बेटियाँ भी हराम की गई हैं, और वह आपके गोदों में खास तौर पे जो पली हुई हैं। तो इसमें यह बता दिया कि जनाब देखिए, यानी जो सास है, आपने शादी कर ली तो अब आपकी जो सास है वो भी आपकी वालदा बन गई, उनसे भी अब हमेशा के लिए आराम हो गया, अब शादी उनसे कभी नहीं बाद में हो सकती, चाहे आपकी बेगम जो है वो फौत हो जाए तब भी आप अपनी जो सास थी उनसे नहीं कर सकते। और फिर ये भी बता दिया कि बीवी की लड़कियां यानी अब ये हो सकता है ना कि आपने खातून से जो शादी की है तो वो उन्होंने उनकी पहले भी शादी हुई हुई थी, ठीक है, उनके शौहर जो है वो फौत हो गए या तलाक हो गई, तो अब उनकी जो बेटियां वो आपकी सौतेली बेटियां हैं, तो ये भी हराम है। और खास तौर पर ये बता दिया कि गोदों में जो पली हैं आपकी यानी आपको बेटी की तरह ही वो रही, तो ये एक यूं कह लें कि उसकी एक सिचुएशन की कि कितनी इंपॉर्टेंट ये मामला है कि ये भी आपकी बेटियां हैं, इनसे नहीं आप शादी कर सकते। एक एक्सेप्शन के तौर पर फिर पांचवा पॉइंट ये बता दिया कि इन खवातीन की लड़कियों से निकाह पे अलबत्ता कोई गुनाह नहीं है, बशर्ते के जिस खातून से अगर खलवत यानी कोई इज़्दवाजी ताल्लुक ना किया हो। यानी आपने मिसाल के तौर पर एक लड़के ने लड़की से अब शादी का मामला हुआ है, प्रोसीजर हुआ है, लेकिन अभी रुख्सती नहीं हुई, अभी जाहिर है आपस में कोई इज़्दवाजी ताल्लुक नहीं हुआ, लेकिन खैर वो अभी उससे पहले वो जो अभी एक डिस्कशन चल रही थी, अभी चलो निकाह वो है कि जस्ट जो एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट चलो अभी रिटर्न डॉक्यूमेंट भी अभी बना या नहीं बना, लेकिन फिर कैंसिल हो गया सिलसिले को। तो चलें फिर जो अब उस खातून की अगर बेटियां हैं
तो वो आपकी अभी बेटियां नहीं बनी, वो बेटियां तब बनेंगी कि जब आपकी बेगम जो है वो रुखसती करके आपके घर आ जाएंगी, आपका इज़दवाजी ताल्लुक हो जाएगा, तो फिर उनकी जो पहली बेटियां ये बाप की सौतेली बेटियां बन जाएंगी, फिर तो वो हमेशा के लिए हराम हो गई। फिर आगे फरमाया आपकी सलबी यानी सच्चे बेटे जो बेटियों की बीवियां वो भी हराम, यानी अब ये बेटे की बीवी क्या हुई आपकी बहू वो भी हराम हो गई आपके, यानी ये दोनों तरफ है मामला कि वालिद साहब ने जहां शादी की वो आपकी वालदा हो गई चाहे सौतेली हो वो भी हराम हो गई, और इसी तरह आपके बेटे ने शादी की तो अब आपकी बहू है वो भी हराम है, आप हमेशा के लिए वालिद बन गए। और फिर सातवां ये भी बता दिया ये भी हराम है कि आप दो बहनों को एक ही निकाह में जमा करें, मगर जो हो चुका सो हो चुका, अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला है, इसकी शफकत हमेशा के लिए। यानी ये भी नहीं कि आपने शादी की तो अब अपनी बेगम की बहन के साथ शादी नहीं कर सकते आप, एक ही निकाह में। यानी ये हो सकता है कि मिसाल के तौर पर बेगम से शादी हुई फिर उसके बाद वो फौत हो गई तो चलो फिर उनकी बहन से फिर तो हो सकती शादी, लेकिन जिस वक्त तक आपकी बेगम मौजूद हैं जिंदा हैं तो तब तक आप उनकी बहन के साथ शादी नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने अब ये एक्सेप्शन बता दी कि ठीक है जी, अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग शरीयत को भूल चुके हुए थे, तो फरमाया कि अब तक जो हो चुका सो हो चुका, तुम इस पर तौबा कर लो, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, ताकि तुम्हारा वो तो अब आइंदा ना कर। फिर निकाह में मजीद कुछ और लिमिट्स भी इरशाद फरमा दी, वल मुहसनात मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताब अल्लाह अलैकुम व हुल्ला सा मा वरा ज़ालिकुम अन यब्तगु बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैरा मुसाफिहीन फमस्तमअतुम بِهِ مِنْهُنَّ قَاتُ فَاعْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یعنی وہ خواتین بھی آپ پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، یعنی جو پہلے شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے، शादी तभी होगी कि जब उनके शोहर फौत हो जाएं या उनमें तलाक हो जाए फिर हो जाएगी, लेकिन जब तक वो निकाह में हैं एग्रीमेंट में किसी साहब के साथ हैं तो वो आपके लिए हराम है दूसरे की बेगम। फिर एक एक्सेप्शन बता दी अब ये नंबर 9 जो पॉइंट है कि सवाए इसके कि वो जंग में आपकी मलकियत में आ जाए तो इनका पहला निकाह ख़त्म हो जाएगा और आपकी बीवी बन सकती हैं, ये अल्लाह ताला का कानून है जिसकी पाबंदी आप पर लाजिम की गई है। अब यह था कि अरब में अक्सर ये जंगें होती रहती थी और जंग में अमूमन यही होता था, यानी वो ख़वातीन भी वो जंग के अंदर आ जाती होती थी। अब उसके कई सिनेरियो होते थे कि बाज़ औक़ात शौहर मर गए और जो वो खातून है वो कैदी आ गई हैं, तो अब ठीक है कि भी आप कर सकते शादी अगर अब करना चाहें तो ठीक है, और वो भी खातून भी मान जाएं तो, और अगर नहीं मान रहे तो फिर ठीक है फिर बात ख़त्म, फिर वो उनको आज़ाद करें और वो चली जाएंगी अपने शहर में या गांव में जहां जाना उन्होंने जो भी मामला है। अच्छा, और शौहर नहीं मरा और वो बार भाग गया या कुछ हुआ लेकिन बेगम आ गई कैदी के तौर पर, तो अब ये है कि वो ऑटोमेटिकली वो जो उनका निकाह था अपने वो शौहर से वो ऑटोमेटिकली जंग के बाद ही कैंसिल हो जाता है, फिर ख़त्म मामला, अब वो चाहें तो वो खातून शादी कर सकती हैं, तो ये एक इजाज़त दे दी उसमें। अच्छा, फिर नंबर 10 का पॉइंट ये है कि इनके सिवा वो ख़वातीन हैं कि जिनका महर यानी जो टोकन अदा करके अपने सारी उम्र तक माशी खिदमत के वादे के ज़रिए से इन्हें हासिल करना आपके लिए हलाल है, इस शर्त के साथ कि आप पाक दामन रहने वाले हों ना कि बदकारी करने वाले। यानी अब ये किए उसूल जो
जिसको महर कहते हैं या इंग्लिश में आप इसे टोकन कह लें, ये क्या होता है? यानी शादी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप मियां बीवी एक दोनों मिल के पार्टनर बन रहे हैं एक इंस्टीट्यूट के, या आप कह लें कंपनी के, और वो एग्रीमेंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है शौहर को कि आपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपने पे करने, और एन शादी के वक्त फिर कुछ अमाउंट वो खातून को उसी वक्त दे दी जाती हैं जिसको हम महर कहते हैं या टोकन कहते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि ये एक बिल्कुल वादे हो जाए कि ये सीरियस एग्रीमेंट हो रहा है, ताकि सीरियस मामला आ जाए कि सारी उम्र के लिए उस खातून की खिदमत जो है वो शौहर ने करनी है फाइनेंशियल मैटर्स में। ये एग्रीमेंट का एक वो सीरियस करने के लिए वो महर जो है वो अदा की जाती है। तो ये कर लें ठीक है, लेकिन बताया कि भी ये कोई पाक दामन रहते हुए करें, ये कोई बदकारी वाले मामला ना हो कि बस जनाब वो जनाब थोड़ा सा वो टोकन दिया वो कर ली और कुछ दिन तक जनाब इंजॉयमेंट कर ली और फिर जनाब अलहदगी कर ली। नहीं, वो नहीं। फिर 11th में ये फरमाया कि फिर इससे पहले अगर महर अदा नहीं किया हो, जो फायदा उनसे उठाया है इसके सिले में, इसका महर इन्हें अदा कर भी दें एक फर्ज के तौर पर। यानी अगर शादी आपकी हो गई, अभी आपने महर उस टाइम नहीं दिया, तो अब दे दें, ये अब हुक्म दे दिया। यानी उसके एक यही एक सिनेरियो बन सकता है कि एन शादी के टाइम कोई पैसे नहीं फौरन आए, तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट के तौर पर शौहर कह सकता है कि वो बता दे कि सॉरी मैं आज नहीं देख सकता, प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दे, तो वो ठीक है, वो 10 दिन महीना जो भी तय कर लिया उसके बाद वो दे दें लाजमी उसका महर जो है। और 12 में फिर फरमाया कि महर तय करने के बाद अलबत्ता आपकी आज़ादी से रजामंदी से जो कुछ तय कर लें उसमें आप पर कोई गुनाह नहीं है, बेशक अल्लाह इल्म हिकमत जानने वाला है। यानी अब जब ये एग्रीमेंट हुआ शादी का, तो सब ये बता दिया कि अब जनाब एक्सपेंसेस आपने करने हैं ना, कि खातून की पूरी जिंदगी तक खिदमत करनी है आपने। अब वो करनी कितनी है, तो इसके लिए अल्लाह ताला ने आपको ऑप्शन के तौर पर छोड़ दिया है कि आप खुद आपस में एग्रीमेंट कर लें कि जनाब वो खातून के एक्सपेंसेस वो मंथली या वीकली या जो भी तय हो आपस में मामला, कि भी उसके लिहाज से इतने इतने एक्सपेंसेस मस्ट दिए करने। अब ये काहे के हैं, ये घर के एक्सपेंसेस के लिए ये शौहर पे जिम्मेदारी दे दी गई। तो ये अच्छा, अब ये एक है कि अगर आपके दिन में सवाल होगा कि अगर खातून जो है वो कमा रही हैं तो वो फिर क्या, तो अल्लाह ताला ने वो छोड़ दिया आप पे मामले को कि ठीक है जी, कि शादी के वक्त एग्रीमेंट में तो अगर वो खातून कहती हैं कि ठीक है भी ये सही है कि उनकी इतनी सैलरी या इनकी इतनी इनकम नहीं आती इनकी, तो ठीक है इस चीज़ को मैं एक्सपेंसेस पे कर लूँगी, तो वो फिर एग्रीमेंट में ही आपस में साइन कर लें, ठीक है वो फिर खातून दे देंगी। तो ये एग्रीमेंट ज़रूर होना चाहिए। अब एक और फिर सूरत निसा में मजीद कुछ अहकाम, एक ख़ास चीज़ थी, एक ग़ुलामी थी उस ज़माने में कि लोग ग़ुलाम कर लेते थे। यानी कुछ तो ये करते थे कि जंगों में जो कैदी हैं उनको ग़ुलाम बना लेते थे, और कुछ लोग तो ये भी करते थे कि डाकू जो हैं वो किसी को अगवा करके बच्चों को ग़ुलाम बना लेते थे। अल्लाह ताला इस लानत को ख़त्म कर रहा था, और लेकिन करते हुए अल्लाह ताला ने फिर स्टेप बाय स्टेप उसको सिलसिले को किया। अब ऑलरेडी जो गुलाम बने हुए थे उनके लिए फिर अगली आयत में ये इरशाद हुआ। तो अब जाहिर है कि टाइम जरा इसमें है, तो मैं इसमें अर्ज कर देता हूँ, अरबी में भी कर देता हूँ। मुमल्लम यस्ततु मिनकुम तौलन अन यनकिहा أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم
مؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا احصن فان اعطينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. کیا آپ میں سے جو آزاد مسلمان خواتین کے ساتھ نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ آپ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو آپ کے بس میں ہوں. یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان سے خوب واقف ہے, آپ سب انسان ایک ہی جنس ہیں. یعنی ہوتا تھا کہ خواتین وہ بھی جنگوں میں شامل ہوتی تھیں تو وہ بھی قیدی بنی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر دیا کہ بھی اب ان کو آپ غلام نہ بنائیں بلکہ ان سے شادی کریں. اچھا یہ عربوں کے یہاں ایک پرابلم تھی کہ وہ لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ بھی وہاں سے پھر بچے پیدا ہوں گے تو وہ اس کا سٹیٹس پھر بچے کا نہیں رہتا تھا. وہ کہتے تھے یہ تو غلاموں کا بچہ, غلام عورت کا یہ تو بچہ ہے, اس کو سٹیٹس نہیں آتا تھا تو لوگ چھوڑتے تھے. تو اب جو ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بھی آپ ان سے کریں شادی اور ان کو پورا سٹیٹس اب دیں کہ جس طرح سے آزاد خاتون کی جیسے عزت ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا سو ان لونڈیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیں اور صحیح قانون کے مطابق ان کی مہر بھی اس خاتون کو بھی ادا کریں, اس شرط کے ساتھ نکاح کریں کہ وہ خاتون پاک دامن رہی ہوں, بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہو. تو یہ ایک پرابلم تھی کہ وہ اب جو غلام خواتین تھیں تو ان کو بیچاریوں کو بالکل طوائف کے طور پر ان کو لوگ رکھتے ہوتے تھے اور ان کو باقاعدہ اس کی باقاعدہ ایک ڈانس اور ان کا جو وہ ٹریننگ ایک یہ سارے معاملے کی وہ ان کی باقاعدہ کرتے ہوتے تھے. لیکن اب وہ حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بن گئی تو اب پھر حکم بھی آ گیا کہ بھی اب یہ جو پاک دامن خواتین ہیں ان سے اب شادی کر لیں اور جو بدکاری کرنے والی ہوں تو یہ ان سے تو نہیں کریں ابھی شادی تاکہ ان کو یا آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائیں, ان کی عادتیں ٹھیک ہو جائیں. پھر یہ بھی فرمایا کہ پھر جب وہ پاک دامن لونڈی رکھی جائے اور اس کے بعد اگر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد خواتین کے لیے مقرر کی گئی ہیں. یعنی وہ بدکاری کا جو ایک اسپیشل یہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات دے دیے اور بتایا گیا کہ بھئی اس کے لیے کچھ کوڑے جو ہیں, اچھا وہ کوڑے کوئی بہت سخت نہیں بس اتنے ہلکے سے وہ بھی ٹوکن کے طور پر ہی تاکہ ایک ہو جائے. تو اس میں بھی لونڈیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور کر دی کہ بھی ان کو پاک دامن ان کو کیا گیا اور انہوں نے کوئی ایسی ایک کوئی بدکاری کی ایک وہ طوائف کے طور پر نہ ہی رہی ہوں اور پھر بھی اگر کر لیں تو چلو تب بھی ان کی سزا حاف ہے. تو یہ بھی ایک ان کے لیے کر لی تاکہ یہ اب مقصد یہ تھا کہ اب وہ جس عادت میں رہی ہیں تو ان کی ایک اصلاح ہو جائے. اس کے بعد فرمایا نکاح کی یہ اجازت آپ میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو, ورنہ صبر کریں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے اور مطمئن رہیے کہ یہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے. تو یہ بتا دیا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک بہت بڑا گناہ بدکاری ہے تو بھی یہ ان لوگوں کے لیے کیا کہ بھی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یار کہیں شادی نہ ہوئی تو میں پھر کوئی بدکاری جو ہے کر لوں یا کوئی ایسی, یہ مردوں کے لیے بھی خواتین کے لیے بھی ہے تو یہ کریں. اور لیکن فرمایا کہ بھی اگر
कंट्रोल में है मामला तो फिर सब्र ही करें कि यानी शादी आप तभी करें कि जब आप एक्सपेंसेस पे करने को काबिल हो जाए। यानी होता है ना कि जाहिर है कि बंदा जब नौजवान होता है तो उस वक्त तो बिल्कुल नौजवान 12 to 15 years, 16 years की एज तक हो जाता है ना जवान, लेकिन शादी तो जाके हमारे कल्चर में तो कहीं 25 से भी ज्यादा एज में 30 के आसपास जाके होती है। तो बीच में वो बदकारी के चांसेस तो होते हैं ना, तो भी अल्लाह ताला ने ये बताया कि भी ये फिर सब्र करें इसमें तो, और तौबा करते जाएं, कोई अगर गलत हरकत भी हो जाए तो ये करें, और फिर जब जाहिर है कि आप इस फाइनेंशियली इस पोजीशन में आएंगे तो फिर आपकी शादी होगी, फिर आप कीजिएगा इसमें। तो ये देखिए कि ये अल्लाह ताला के जो अहम अहकाम हैं वो यहाँ पे मैं इरशाद फरमा दिए गए। अब इसके बाद मजीद इरशाद हुआ, ये अब अल्लाह ताला के हिकमत विजडम है जो बता दी, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम बियहदीकुम सुनन अल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम वयुरीदुल्लज़ीन यत्तबिउन अश्शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा युरीदुल्लाहु अन युख़फ़्फ़िफ़ा अन्कुम वख़ुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। अल्लाह ताला का इरादा है कि आप पर अपनी आयात वाज़े कर दे और आपको इन नेक लोगों की राहों में चलाए जो आपसे पहले गुजरे हैं, और आप पर इनायत की नज़र करे, और अल्लाह ताला इल्म हिकमत जानने वाला है। अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि आप पर इनायत की नज़र करे, लेकिन जो लोग अपनी बद ख्वाहिशों के बुरी ख्वाहिशों के की पैरवी कर रहे हैं तो इनकी ख्वाहिश इनके बरखिलाफ है कि आप हक के रास्ते से बिल्कुल ही भटक कर रह जाएं। अल्लाह ताला आपसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है इसलिए कि आपकी कमजोरियों की रियायत करे, और हकीकत यह कि इंसान बड़ा ही कमजोर किया गया। तो ये बता दिया गया कि भी ये पूरी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत इसलिए की अल्लाह ताला। अच्छा अब ये देखिए कि मैंने वो अर्ज किया कि जैसे लौंडियों का ये पहले तवायफ का सिलसिला था, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकूमत बन गई तो फिर इसको रोक दिया गया था। उसको सूरतुन नूर में पूरी तफसील से फिर बताया गया कि भी अभी आप उन पे कोई सजा ना दें उन खवातीन को, बल्कि उन्हें उनको अपने घर तक ही, उन्हें कहें आप अपने घर तक ही रहें और बाहर ना जाए, ताकि एक वो सिलसिला रुके, और फिर स्पेशली जो उनके आका बने हुए थे जो इनको तवायफ से वो करवाते थे उनको तो फिर ठीक ठाक सजाएं पड़ी। और फिर यही ऑब्जेक्टिव था कि आहिस्ता आहिस्ता ये खवातीन जो हैं वो पाक हो जाए, उनकी अच्छी आदत बन जाए, तो फिर उसके बाद फिर ठीक है वो निकाह भी करें, एक बकायदा उनका स्टेटस भी बकायदा आम खातून की तरह हो जाए। मकसद ये था। अब ओवरऑल मैं अर्ज कर देता हूँ कि ये देखिए कि निकाह होता क्या है। ये बेसिकली एक कानूनी एग्रीमेंट होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो जाहिर है कि ये रिवाज नहीं था कि उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तो नहीं होता था, वो इसलिए कि उस वक्त ये नॉर्मल कल्चर नहीं था और कागज़ भी बहुत सस्ता अवेलेबल नहीं था, बल्कि चाइना से उस वक्त परचेज करते थे, तो इसलिए। लेकिन एक छोटे से शहर में जब निकाह होता था तो फिर वो पूरे शहर को पता चल जाता, और जो भी एग्रीमेंट है यानी जो मियां बीवी में जो बात है तो वो बकायदा ऐलान उसका कर दिया जाता था, हर आदमी को पता था। अगर इख्तलाफ भी होता तो वो फौरन अदालत में वो चीज़ें सही पता चल जाती थी, तो इसलिए वो कोई इशू नहीं था। लेकिन आजकल तो इसको एक लीगल एग्रीमेंट की शक्ल में निकाह होता तो ठीक है। फिर शोहर बीवी मुस्तकबिल के बच्चों के हुकूक क्या हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब उसी एग्रीमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए, और इस्तेहसाल का खात्मा हो, यानी ये ना हो कि मर्द जो है वो खातून पे कोई ज्यादती करे या खातून अपने
शौहर पे कोई ज्यादती करे या अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया, ये हरकतें नहीं। अच्छा, निकाह के लिए पैगाम का पहला स्टेप होता है ना, यानी ये तो नहीं कि आपको फौरन आया दिल में आइडिया आया तो शादी होगी, नहीं। उसके लिए अब जाहिर है कि आप पहले पैगाम भेजेंगे ना कि भी आपका क्या ख्याल है। इसके लिए हम ये हदीस में देखते हैं कि मुगीरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने एक खातून की तरफ पैगाम में निकाह भेजा। अच्छा, उस जमाने में ऐसा होता था, वो किसी खातून को कह देना कि प्लीज ये जरा मेरा एक मैसेज पहुंचा देती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे जब ये दरियाफ्त किया कि भाई आप बताएं आपने इन्हें देखा है, इन्हें मिले आप? उनका नहीं जी। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इनसे इन्हें देख लें आप, क्योंकि इससे यही मुतवक्को है कि आप दोनों के दरमियान उल्फत पैदा हो जाए, यानी आपस में एक दूसरे का एटीट्यूड कैसा है, हर एक का एक लाइफ स्टाइल और जो जो उनके लिए इम्पोर्टेंट मामला आता है वो आपको पता चल जाए ना, ताकि फिर निकाह करें। वरना होगा क्या कि प्रैक्टिकली होता है कि अगर दोनों के मिजाज ही एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं और महज बस वो मैसेज आया और शादी निकाह कर लिया, बाद में उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े ही होते हैं और फिर वो तलाक तक पहुंचता है सिलसिला। इसलिए ये ना ही करें। निकाह में सरपरस्त का ये अहमियत थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए सरपरस्त की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। यानी सरपरस्त वो औरत का खैर खा हो, यानी ये भी लाजमी हो, यानी उसमें ये था ये कौन है सरपरस्त कौन है, पेरेंट्स ही अमूमन होते हैं कि जनाब आपके वालिद वालदा, क्योंकि वो क्योंकि अब ये मसला ये नहीं है कि वो एक लड़के और लड़की का मामला है, बल्कि एक फैमिली का दूसरी फैमिली के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसलिए उनके जो जो भी जिम्मेदार हैं तो वो भी आए और उसमें आके करें निकाह में। लेकिन निकाह के लिए लड़के और लड़की का की रजामंदी लाजमी। इसके लिए आप ये देखते हैं इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा की एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कुंवारी लड़की आई और जिक्र किया कि उनके वालिद ने निकाह ऐसे शख्स से कर दिया जिसे वो नापसंद करती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दिया कि ठीक है जी, अगर आप चाहें तो निकाह को आप बरकरार रखें और चाहें तो ख़त्म कर दें। क्या अब ये खातून को पूरी आज़ादी उनको दी कि ठीक है आपके वालिद साहब ने कर लिया लेकिन आपको नापसंद है, अब आप खुद डिसीजन लें कि उसको रखना है निकाह को, ठीक है, अदरवाइज कैंसिल कर लें। इस हद तक आज़ादी लड़के को भी और लड़की को भी वह है, यानी वो मियाँ माँ बाप का वो सिर्फ एक इस तरह से होता है कि ताकि इज्जत के साथ एक अच्छे तरीके के साथ अच्छे तरीके से फैमिलीज आपस में एक दूसरे से मिल रहे हो, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है। निकाह के लिए कितने गवाहों की जरूरत है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दो दयानतदार गवाहों और एक खैर खा सरपरस्त के बगैर निकाह नहीं करार पाता। यानी कि हदीस में कि कम अज़ कम मिनिमम तीन तो होना बंदे, यानी ये तब होता है कि जाहिर है कि एग्रीमेंट की बात है ना, तो एग्रीमेंट में चलो एक भूल जाए दूसरा तो याद रहे ना बंदा, इसलिए था। लेकिन ये तो चलो एन निकाह के टाइम पे मिनिमम इतने हो, लेकिन फौरन ये लाजमी है कि पूरे शहर को ये पूरी इंफॉर्मेशन भी पहुंच जाए कि हाँ जी इनकी शादी हो गई, और फिर ठीक है कि पूरा आपस में जो जो भी उनमें एग्रीमेंट हुआ है जिस तरह का मामला, तो भी हर आदमी तक पहुंच जाए। तो वक्त के साथ साथ तो फिर ये हुआ कि बकायदा इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स बनने लगे, और उससे चलो अब ये हुआ कि चलें अगर एग्रीमेंट हुआ उसके अगेंस्ट कोई मामला आ रहा है कोई मुकदमा, तो फिर अदालत उसके लिहाज से ही फैसला करती है। अब फिर ये आता है कि खातून के लिए ये हक महर जो है ये हम पढ़ ही चुके हैं कि ये फरमा दिया जैसे वातुन निसा सदुकातहिन्न नहला, यानी ख्वातीन के महर खुश दिली के साथ यानी फर्ज जानते हुए इसको अदा करें कि ये लाजमी है। अब ये टोकन सिर्फ इसलिए होता है एक ताकि ये जो आप शादी कर रहे हैं तो वाकई आप सीरियस हैं ना, इस पर पूरी जिंदगी के लिए ये एक्सपेंसेस को रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, बस ये उसके लिए होता है।
अब हक मेहर की अमाउंट कितनी हो ये सवाल होगा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फरमाया बेहतरीन हक मेहर वो है कि जिसे अदा करना इंतहा आसान हो, यानी आसान हो। यानी अब ये हर कल्चर में, हर टाइम में, हर मुल्क में, हर शहर में अलग अलग उसका हो सकता है सिलसिला। अच्छा, ये फिर जाहिर है कि मियाँ और बीवी अब जो बन रहे हैं तो इनका आपस में जो भी आपस में उस वक्त वो एग्रीमेंट का मामला चल रहा हो तो इसी वक्त वो तय कर लें कि हाँ जी इतना मेहर जो है वो अदा करें, ताकि जिसे कंफर्म हो जाए कि वाकई वो बंदे सीरियस हैं। अब जाहिर एक आदमी हो सकता है अमीर हो तो वो ज़्यादा अमाउंट दे, हो सकता है 1 मिलियन कर ले, कोई हो सकता है 1 लाख कर ले, और एक इतना अमीर नहीं है तो हो सकता है 1,000 कर ले। तो ये हर एक के लिए है। तो इसके लिए हर एक टाइम में, हर इलाके में और हर शहर में इसका एक डिफरेंट मामला होता है। अच्छा, अब ये आपको सुना होगा आपने कि पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में वो 32 रुपीस का वो किया हुआ है कि मेहर यो, ये इसका कोई दीन में कोई हुक्म नहीं है, बल्कि ये था कि ये औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी तो उन्होंने ये कानूनी तौर पर एक सिलसिला बनाया था कि भी ये मेहर मिनिमम 32 रुपीस का हो, और उस जमाने में रुपए की जो वैल्यू है बहुत बड़ी थी, नहीं इतनी बड़ी वैल्यू है आप यही आप एज्यूम कर लें। यानी चलो वो औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में जो 1700 के ज़माने के गुजरे तो उस वक्त वो रुपये की वैल्यू उस वक्त पता नहीं क्या होगी, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई है तो इतनी बड़ी वैल्यू थी रुपए की कि जितना एक ब्रिटिश पाउंड उसके बराबर था। तो आप खुद इमेजिन कर लें कि 32 पाउंड्स कम से कम इतनी उन्होंने रखी थी कि कम से कम ये तो होना, उससे ज्यादा जो भी रखना है वो आपस में तय करो भी। यानी वो उन्होंने लिमिट इसलिए रखी कि कहीं ये ना हो कि लोग एक बिल्कुल सीरियस जिसमें बने ही ना बाद में, यानी इतनी अमाउंट तो वो देना के तक है, एक सीरियस तो हो ना महसूस मामला, तो इसलिए उन्होंने कानून रखा था। तो ये जाहिर है एक अपने टाइम और कल्चर के लिहाज से बादशाह ने ये उसमें तय किया था मामला, तो इसका कोई दीन में नहीं है। ये इसके लिए ये वही है कि जो आसान आसानी से जो बन सकता है वो करें। और फिर जाहिर है कि अब रेगुलर शौहर ने एक्सपेंसेस पे करने हैं, अब वो अगर सैलरी उनको मिल रही है तो उसमें से कितने देने हैं ये आपस में उसी एग्रीमेंट में होना चाहिए। इसके बाद रिश्ता अज़दवाजी में मुंसलिक होने वाले अफराद में कौन सी दुआ दी जाए। अब जाहिर है दुआ कोई भी हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे दुआ करते होते थे उसकी एक एग्जांपल है, इसमें आप मजीद भी ऐड कर लें जो भी सोच लें उसमें। जाहिर है इसका कोई एक दीन का हुक्म नहीं है कि आप जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स को देखते तो फिर शादी जब करते तो फिर ये दुआ करते थे, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। यानी अल्लाह ताला आपके लिए बरकत करें और आप पर बरकत नाजिल करें और आप दोनों को भलाई पर मुत्तफिक कर दें। फिर एक और हदीस में एक और दुआ आती है, अल्लाह के नाम के लिए ऐ अल्लाह मैं शैतान से मैं पनाह मांगता हूँ जो कुछ हमारे मकदर में हमारे मुकद्दर में लिखा है इसे भी शैतान से महफूज रखिए। यानी शैतान से बस जान छुड़ाने की दुआ है और एक अल्लाह ताला की इनायत हमें मिलती जाए, बस ये एक दुआ है इस तरह की है। अब इस दवाजी ताल्लुक के लिए क्या आदाब, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आया कि अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शादी हुई ना, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ आपने फरमाया भी वलीमा तो करो चाहे एक बकरी हो। क्या वो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अच्छा एक बिजनेस था। अच्छा, उनका जब वो मामला हुआ ना तो वो जिस फैमिली में उनका मामला चला उनका हाँ जी चले अभी इसी वक्त कर लें शादी, उसी वक्त ही हो गई थी। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद वो पता चला, आपने फरमाया कि चलो भाई कुछ ये तो करो ना कि खाना वाना चाहे ज्यादा ना हो, जितनी भी अमाउंट हो उसमें कर लो ताकि सारे भाई बहन बीच में शामिल हो जाए, खुश हो जाए, बस ये वो एक है। और फिर ये एक ये भी एक सुन्नत रखी कि जेब व जीनत
नहीं, ये वही कि फैशन ये हर टाइम में हर कल्चर में अलग होता है, हर मुल्क में अलग होता है कि मियाँ बीवी जब वो एक बन रहे हैं एक दुल्हा और दुल्हन, तो भी अच्छे कपड़े और जो भी उनका फैशन है उसके लिहाज से वो कर लें। इसके बाद फिर आखिरी हिस्सा वो है उसने माशरत की, अब शादी हो गई फिर क्या करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो आशिरू हुन्ना बिल मारूफ, खवातीन के साथ भलाई और अच्छाई का सुलूक कीजिए, यानी मर्दों को ज्यादा फरमाया कि भी आप खवातीन से अच्छा सुलूक करें। अब अच्छा सुलूक कितना होता है ये आगे हम देखते हैं। फिर मजीद फरमाया मताअम बिल मारूफ ही हक्कन अलल मुहसिनीन, नेक लोगों पर हक है कि खवातीन के साथ अच्छा सुलूक करें। अब अच्छा सुलूक क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि भी आप ये देख लें कि आपके साथ जो मामला दूसरा कर रहा है आपको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है। अगर बुरा लगता है तो फिर आप दूसरों से ना करें वो वाला मामला, और जो आपको अच्छा लगता है बस वही करें। तो बस यही है, यानी आप अच्छी तरह से रहें, इसी तरह खातून भी शौहर से अच्छा सुलूक रखें। ठीक है, लड़ाई तो हो ही जाती है इंसान से, लेकिन उसमें भी कोई लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल एक दूसरे को, ये बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बड़ी आपस में अगर इख्तलाफ भी हो तो इज्जत के साथ हो। अब कुछ अहदीस में अर्ज कर देता हूँ कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बता दिया कि कोई मोमिन किसी मोमिना से बुग़्ज़ ना रखे, अगर इसकी कोई एक आदत इसे नापसंद है तो कोई दूसरी इसे पसंद भी तो होगी ना। यानी अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भी बुग़्ज़ नहीं होनी चाहिए। बुग़्ज़ क्या होती है, एक मुसलसल कीना अपने दिल में जो होता है, तो मर्दों में भी होता है ख़वातीन में भी होता है, ये ना कि भी अगर दूसरे की अगर चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, दूसरी तो अच्छी लगेगी ना, दूसरी बात तो भी तो अच्छी होगी। तो इसलिए ये करें, और अव्वल तो निकाह से पहले ही वो सोच लें कि भी वो एक दूसरे के साथ मैच भी कर रहा और फिर भी इख्तलाफ तो रहता है इंसानों में। फिर एक हदीस में फरमाया ख़वातीन से अच्छे तरीके से पेश आया जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िद में आ जाना इसकी फितरी कमज़ोरी है। यानी ख़वातीन में एक ख़वातीन बेहतर समझती हैं, मैं हो सकता है कि गलत कह रहा हूँ, कि ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती, तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर कोई इशू आया कोई मामला आया तो उसमें ज़्यादा शिद्दत से गुस्सा आ जाता है। हो सकता है ख़वातीन इसमें इख्तलाफ करें मुझसे, तो यूजुअली अमूमन ऐसे केस होते हैं। तो भाई इसके लिए मर्द को चाहिए कि फिर भी कंट्रोल में रखे अपने आप। फिर एक हदीस में आया कि आप में से बेहतरीन शख्स हुआ है कि जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। मैं भी अपने घर वालों के लिए बेहतरीन ही हूँ। उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल दी कि अभी आप मेरी जो अहलियाँ हैं उनसे आप पूछ लें कि भी मेरा एटीट्यूड क्या है। वैसा उसके लिए आप ये इमेजिन करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर का पूरा काम खुद कर लेते होते थे, और उसमें बहुत मोहब्बत के साथ उम्मातुल मोमिनीन के साथ इतना अच्छा एटीट्यूड होता था कि एक कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक टाइम में उन्हें इजाज़त दी कि भी अभी आपको मुश्किलात का पीरियड आने वाला है, तो आप अगर चाहें तो अभी आप अलहदगी कर लें। ख़वातीन को पूरी ऑप्शन थी, लेकिन सब ने इस ऑप्शन को कबूल नहीं किया, मगर नहीं जी हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेंगे। फिर एक और हदीस देखें कि मोमिनीन में से कामिल तरीन ईमान वाला वो शख्स है जो अच्छे अखलाक का मालिक और अपने अहल के साथ बहुत शफकत करने वाला। अब अहल से मुराद अपनी बेगम से, अपने बच्चों से, इसी तरह आपके पेरेंट्स हैं वो उनके साथ शफकत। यानी शफकत क्या होती है कि अगले से गलती हुई तब भी आप उसे इग्नोर कर लें, माफ कर लें, तो मोहब्बत के साथ रहें, तो इससे फिर अगले को भी महसूस होगा कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है, फिर वही माजरत वो आ जाएगी, उनको समझ आ जाएगी। फिर एक हदीस में ये फरमाया कि बेहतरीन फंड वो है कि जिसे आप अपने अहल वयाल में खर्च करें। यानी आपको जितनी इनकम अपनी सैलरी में या बिजनेस में जो आ रहा है, इसमें सबसे अच्छा फंड वो होता है कि जो आप अपनी फैमिली पे खर्च करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, जाहिर है इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसमें मजीद आप सोच सकते हैं कि क्या क्या सूरतें हो सकती हैं। तो जनाब यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अब ये उलूमुल फिका के बुक्स आप इस लिंक से ले सकते हैं, सवालात आप ईमेल
कर लीजिए जो भी है। इसके बाद बड़ा क्रिटिकल किस्म के इशू, वो अगला लेक्चर हमारा चलेगा तलाक पे। क्या वो मियां बीवी में निकाह हो गया, टाइम गुजर गया, बड़ी अच्छी जिंदगी रही, लेकिन फिर सूरत-ए-हाल बन गई कि अब अलहदगी का मामला आ जाए, तो फिर क्या करना है? उसके लिए अल्लाह ताला ने बहुत तफसील से अहकामात कुरान मजीद में ही फरमा दिए। तो इसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।